तो देश में 24 घंटों में कोरोना मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। कल के मुकाबले देश में कल जिस हिसाब से 2,86,000 मरीज सामने आए थे, उस हिसाब से आज कोरोना मामलों में गिरावट देखी गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 2,51,209 मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या भी घट गई है, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि मौतें जो देखी जाए, अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो मौतें जो है वो बड़े पैमाने पर हुई है। 627 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। तो ये जो मौतों का आंकड़ा है ये थोड़ा चिंताजनक है, लेकिन जिस हिसाब से लगातार कोरोना मामले घटते हुए नजर आ रहे हैं, 2,51,209 मामले सामने आए हैं, ये थोड़ी राहत की खबर है देशवासियों के लिए कि जो मामले है वो कम हो गए हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा है वो भी 163 करोड़ के पार जा चुका है। लगातार वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या भी बात करें तो ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या भी देश में बढ़ रही है। और अगर रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट एक काफी दिलासे की बात है, क्योंकि बीते 24 घंटों में जितने मरीज सामने आए हैं उससे कई गुना ज्यादा लोगों ने रिकवर किया है। 2,51,000 मरीज सामने आए हैं, तो 3,47,000 से ज्यादा लोगों ने इस दौरान रिकवरी रेट भी की है। और पॉजिटिविटी रेट, कोरोना पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 15%, यानी ये घट गई है, जो 18% पर थी। जिस हिसाब से 3 लाख से ज्यादा मामले, 3.5 लाख मामले सामने आए थे देश में, कह सकते हैं कि अब पीक अभी फिलहाल किसी एक्सपर्ट्स ने, टास्क फोर्स के एक्सपर्ट्स द्वारा नहीं कहा गया है, लेकिन कह सकते हैं कि शायद अब तीसरी लहर का पीक जा चुका है। लेकिन क्योंकि लगातार मामले घट रहे हैं, 2,51,209 मामले सामने आए हैं और 3,47,000 से ज्यादा लोगों ने इस दौरान रिकवरी की है, तो ये कहीं ना कहीं दिलासे की बात है। लेकिन मौतों का आंकड़ा जो है वो थोड़ा चिंताजनक है, 627 मौतें हुई है। और इसके साथ ही जो कह सकते हैं सबसे ज्यादा मामले जहां महाराष्ट्र से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे थे, कहीं ना कहीं वहां भी घट गए हैं। जिन जगहों से कह सकते हैं, जिन राज्यों से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, कहीं ना कहीं वो भी घट गए हैं। लेकिन कर्नाटक, ये सारी जगहों पर अभी चिंता की बात वैसी ही बनी हुई है। सबसे ज्यादा मामले अभी फिलहाल वहीं दर्ज किए जा रहे हैं। देखना होगा कि अब इस पर वहां की राज्य सरकारें क्या संज्ञान लेती हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया था कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि हर चीजों को कह सकते हैं संतुलन में ला दिया गया है, कंट्रोल कर दिया गया है। वैक्सीनेशन की वजह से मौतें कम दर्ज की जा रही है, पैनिक कम होना पड़ रहा है, तो ये काफी दिलासे की बात है। तीसरी लहर में मामले अब गिरावट में, देश के मामले अब लगातार कम हो रहे हैं।